बेंगलुरु में आज शाम विधायक दल की पहली बैठक, सीएम पद के चेहरे का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक एक सीएम और तीन डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे सभी ऑब्जर्वर। कर्नाटक में सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह ऑब्जर्वर बनाए गए, कांग्रेस के आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे ऑब्जर्वर। कांग्रेस ने तेज की कर्नाटक में सीएम चुनने की कवायद, दिल्ली में आज सोनिया राहुल से मिलेंगे खड़गे। सिद्धरमैया से मतभेद पर बोले डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया से कोई मतभेद नहीं, उन्होंने कई बार त्याग किया। कांग्रेस ने जारी किया हनुमान का पोस्टर, पोस्टर में सिद्धरमैया और शिव कुमार शामिल, बीच में राहुल गांधी भी मौजूद। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के समर्थन में पोस्टर लगे, बेंगलुरु में समर्थकों ने लगाया पोस्टर, पोस्टर में सिद्धरमैया को सीएम बताया गया। बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने की बैठक, करीबी विधायकों के साथ की मीटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सिद्धरमैया, विधायकों के साथ बेंगलुरु में खड़गे के घर पहुंचे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के समर्थन में भी लगे पोस्टर, समर्थकों ने शिवकुमार के घर के बाहर लगाए पोस्टर, पोस्टर में शिवकुमार को अगला सीएम बताया। कर्नाटक में सीएम पद के लिए पोस्टर वॉर पर प्रियंक खड़गे का बयान, कहा पोस्टर से सीएम पद तय नहीं होता, बैठक में होगा सीएम पर फैसला। कर्नाटक सीएम पद के लिए दावेदारी तेज, सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार के साथ 70 से 75 विधायक, दूसरे डिप्टी सीएम के पक्ष में नहीं है शिवकुमार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर हमला, कहा कर्नाटक चुनाव में हार की जिम्मेदारी पीएम ले। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का बयान, कहा कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा जनता तानाशाही को पराजित कर सकती है, बजरंगबली कांग्रेस के साथ है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर हमला, कहा कर्नाटक चुनाव में हार की जिम्मेदारी पीएम ले। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का चौथा दिन, 11 मई को अजमेर से शुरू हुई पायलट की यात्रा। पायलट ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पटना में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का आज भी लगेगा दरबार, शाम 4 बजे से 8 बजे तक होगा हनुमत कथा वाचन। बाबा बागेश्वर के दरबार में बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा देश में जल्द होगी हिंदू राष्ट्र की घोषणा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने की लोगों से अपील, बुधवार से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, संविधान बचाने के लिए प्रदर्शन करें। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम, बोले उपद्रवियों को 72 घंटे में गिरफ्तार करें। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्ला का बड़ा बयान, कहा दंगाइयों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, सीसीटीवी से होगी सभी दंगाइयों की पहचान। बिलावल भुट्टो ने इमरान को कहा आतंकी, बोले आतंकियों से बातचीत संभव नहीं, जो आतंकवाद की निंदा करेंगे उन्हीं से बातचीत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। अनंतनाग में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई थी सुरक्षा बलों पर फायरिंग। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 1 की मौत, कई घायल, पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। हिंसा के बाद महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लागू, 30 लोगों को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने शांति कमेटी की बैठक बुलाई। सीबीआई के नए डायरेक्टर बने प्रवीण सूद, कर्नाटक के डीजीपी हैं प्रवीण सूद, 1986 बैच के आईपीएस हैं प्रवीण। भारत के समुद्री तट पर कमजोर हुआ मोचा तूफान, आज सुबह बंगाल की खाड़ी में रहा केंद्रित, दोपहर बाद बांग्लादेश और म्यांमार के समंदर से गुजरने की आशंका। कोची के समंदर में पकड़ी गई 12,000 करोड़ रुपए कीमत की 2500 किलो ड्रग्स, नेवी और एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक पाकिस्तानी गिरफ्तार, अफगानिस्तान से लाई जा रही थी खेप। जलंधर के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल से की मुलाकात, लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद की मीटिंग। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रक और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत, हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गिरिडीह में तेज रफ्तार कार पलटी, हादसे में 2 मवेशियों की मौत, कार में सवार 4 युवक घायल। राजस्थान के बीकानेर में ट्रक और जीप में भिड़ंत, 6 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। बिहार के अररिया में कई घरों में लगी भीषण आग, आग में झुलसने से 5 मवेशियों की मौत, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के लखनऊ में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बाड़मेर में ट्रक और डीजल टैंकर में जोरदार टक्कर, दोनों गाड़ियों में लगी आग, झुलसने से ट्रक और टैंकर चालक की मौत।
जयपुर में कई घरों में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आई कई मवेशी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जालौर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई, जांच जारी। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, एक बुरी तरह घायल। यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय हॉस्टल में पथराव, दबंगों का पथराव करते वीडियो वायरल, पथराव से खिड़कियां दरवाजे टूटे। गुरुग्राम में लिकर शॉप में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, अज्ञात कारणों से लगी आग। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों ने युवती और युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बांसवाड़ा में डंपर और कार में जोरदार भिड़ंत, दो लोगों की मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हरियाणा के नूह में खेत में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट में बुजुर्ग की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूटपाट, विरोध जताने पर जमकर फायरिंग की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के वैशाली में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कार को मारी टक्कर, सामने आया हादसे का वीडियो। झारखंड के जमशेदपुर में शादी में युवक ने की हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के बागपत में दो पक्षों के बीच मारपीट, दबंगों ने बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या की, बच्चों को लेकर हुआ था मामूली विवाद। राजस्थान के कोटा में बदमाशों ने दुकान में की तोड़फोड़, कर्मचारियों के साथ मारपीट की, नौकर को हटाने पर हुआ विवाद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की, परिवार को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के झुंझुनू में चोरों ने सरकारी स्कूल में की चोरी, स्कूल के कर्मचारी के साथ मारपीट की, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के पाली में एटीएम चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए 124 एटीएम कार्ड, चोरी की 24 घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। राजस्थान के डूंगरपुर में अवैध केमिकल से भरा ट्रक जब्त, चालक सहित 3 लोग गिरफ्तार। भीलवाड़ा में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। धौलपुर में फायरिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, जमीन को लेकर हुए विवाद में की थी फायरिंग। झालावाड़ में अवैध पिस्टल के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। दिल्ली के शाहदरा में बदमाश ने युवक पर चलाई गोली, बाल बाल बचा युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा में 30 लाख की अवैध शराब बरामद, पुलिस ने 1 तस्कर को गिरफ्तार किया, दूसरा फरार। बिहार के भागलपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा, अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में शख्स ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की। इसराइल फिलिस्तीन के बीच जंग पर लग सकता है ब्रेक, इसराइल और इस्लामिक जिहाद ने संघर्ष विराम के लिए जताई सहमति। युद्ध विराम के बीच भी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हमले जारी, कई लोगों की मौत। इस्लामिक जिहाद ने इसराइल में दागे कई रॉकेट, इसराइल ने भी किया जवाबी हमला। गाजा से इसराइल पर किया गया हमला, इसराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम ने रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। इसराइल ने गाजा पर किया हमला, हमले के बाद विदेशी मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। इस्लामिक जिहाद ने गाजा पट्टी के अंदर इजरायली सेना के ठिकानों पर किया हमला, हमले में 1 फिलिस्तीनी मजदूर की मौत। इस्लामिक जिहाद ने वीडियो किया जारी, इसराइल पर किया जा रहा है हमला। इसराइल के हमले में गाजा के कमांडर की मौत, अंतिम विदाई में भारी संख्या में शामिल हुए लोग, इसराइली हमले में 33 लोगों की मौत हुई थी। रूस पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेन की सीमा के पास 2 रूसी हेलीकॉप्टर और 2 लड़ाकू विमान गिराए गए। यूक्रेन की सेना ने लुहांस के रूसी कब्जे वाले हिस्से में दागे मिसाइल, हमले के बाद दिखा तबाही का मंजर। लुहांस हमले को लेकर रूस का बड़ा दावा, हमले में इस्तेमाल किए गए ब्रिटिश मिसाइल्स। रूस के परमाणु ठिकाने के बेहद करीब यूक्रेन ने किया हमला, हमले के लिए मोबाइल रॉकेट सिस्टम का किया गया इस्तेमाल। रूस के ड्रोन हमले को लेकर ज़ेलेंस्की का दावा, रात भर में मार गिराए 17 ड्रोन।